आया कोई शख्स धकेल देता है उन्हें उलझनों के दलदल में। आज दोबारा जिंदगी पर होने वाली है एक ऐसी मुलाकात जिसमें छुपा है एक संदेश, एक ऐसा संदेश जिसे वो आज तक समझ नहीं पाई और जिस संदेश को जानने के लिए आज वो हमारे साथ हैं। लेट्स वेलकम सीमा मीधा। Welcome on the show, Doctor. Thank How are you? Thank you so nice much. Nice to see you. Same here. Come. Same here. Come. Aye. Welcome on the show. Come. आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सीमा मीधा और उनकी फ्रेंड पूनम। वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। सो सीमा जी, हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मैं एक छोटा बच्चा हूँ और मुझे लगता है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं, एवरीबडी इज़ लाइक एन स्मॉल चाइल्ड। यू नो, चाहे वो बच्चा दिन में आता हो या रात में आता हो या सुबह आता हो या शाम को आता हो, लेकिन उस बच्चे की अर्ज को पूरा करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है उस अर्ज को मैं समझ पाती हूँ, इसीलिए आई ट्राई टू हील एवरीबडी, टू हेल्प एवरीबडी। तो हमें ये बताइए कि उस दिन क्या हुआ था। ये 2006 की बात है। और डेट क्या थी? डेट अगर मैं याद करूं तो 11th मार्च दिन था। सडनली बेल बजती है कि एक लेडी अंदर आती है। उसने मेरे को ये कहा कि आपको टीवी में देखा है, आप मेरे बारे में भी कुछ बताइए। जनरली सभी को ऐसे बोलते हैं, अच्छा होगा अच्छा होगा, बिकॉज मैं इस बात पर बिलीव करती हूँ कि जो आप बोलते वही होता है। अगर मैंने भी उस किसी की ज़िंदगी के लिए अच्छा बोला तो शायद वो भी होगा। तो एक कार्ड जब फैले हुए थे वहाँ, मैं लिख रही थी तो उसने कार्ड उठाया। जब मैंने कहा कि ये कार्ड तो बहुत सुंदर है, आपका तो सब कुछ अच्छा होगा जी, तो मैं उधर से अपनी सीट से खड़ी हो गई और बोला कि अभी यू कैन गो फॉर दिस बिकॉज आई एम डूइंग माय वर्क, आई हैव टू फिनिश एंड सबमिट माय वर्क। उसके बाद वो कहने लगी कि आप इतना लोगों का भला करते हो, इतना कल्याण करते हो, जाने से पहले मैं आपको कुछ करना चाहती हूँ, देना चाहती हूँ। तो मैंने बोला आशीर्वाद दीजिए आप, भई आप बड़ी हैं मेरे से उम्र में। तो उन्होंने बोला कि मैं आपके पैर छूना चाहती हूँ। तो मुझे नहीं मालूम था कि उसका पैर छूने का क्या मतलब है। जैसे मैं इधर से टर्न हुई और शी ट्राई टू टच माई फीट, सडनली आई फेल्ट कि सीन इज टोटली चेंज। अच्छा, यू नो, मुझे वो एक इंसान नहीं नज़र आई उस टाइम। मैं बोलूँगी कि शायद मेरे सामने मेरे को ले जाने वाले फरिश्ते आ गए। पूनम जी, जब आपने पहली बार सुना इस वाक्य के बारे में तो आपकी क्या रिएक्शन थी? वो एक्सपीरियंस जब इन्होंने बताया तो मैं इनसे सुनती रही। उसके बाद मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं, उनसे मैंने पूछा ये क्या, ये ड्रीम था क्या था, ऐसे था। उन्होंने कहा इनका पास्ट का वो जो लेडी थी जो आई हैं वो एक कोई सोल थी। क्लियर नहीं हो रहा था कि क्या है, इसी को ही जानने के लिए। क्यूरियोसिटी इनको भी है, मुझे भी है, तभी हम यहाँ पर आए। और अब वक्त है हर उलझी हुई गुत्थी सुलझाने का, क्योंकि हमारे साथ हैं दो ऐसे स्पिरिचुअल साइंटिस्ट जो हर अनोखे अनुभव को जानते हैं, जो जानते हैं वक्त की हर चाल। लेट्स वेलकम डॉक्टर न्यूटन एंड डॉक्टर लक्ष्मी। चाहते हैं आज कि ये बिग पिक्चर और प्रोफाइल, ऑल थिंग्स विल बी रिवील्ड। डॉक्टर थैंक यू सो मच, दैट वाज वंडरफुल, दैट इज रियली वंडरफुल, थैंक यू। डॉक्टर लक्ष्मी, हमें कुछ दिलचस्प बातें बताइए साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बारे में। ओके, एक्चुअली मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च के बारे में बताना चाहती हूँ। और ये रिसर्च वाज डन बाय डॉक्टर केनेथ रिंग। इन्होंने 30 अंधे, those who could not see, the blind people who have experienced near death experiences, इनके ऊपर रिसर्च किया। I'll just share one wonderful case study.
दिस केस स्टडी इज अबाउट वन लेडी, ए मिडिल एज्ड वुमन. हर नेम वॉज विकी उमीपेग. सो दिस लेडी ये बचपन से ही कंजेनिटली ब्लाइंड था और उन्होंने जब वो मिडिल एज तक पहुंची, शी मेट विथ एन एक्सीडेंट. सो देन शी वेंट इन टू दिस नियर डेथ एक्सपीरियंस. बट उन्होंने वो जो लेडी थी वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं देख सकी. लेकिन जब इस अनुभव में जब उन्हें वो अपने शरीर से बाहर जाकर ये अनुभव किया, शी स्टार्टेड सीइंग एवरीथिंग. सो दैट वॉज एस्टॉनिशिंग. एंड देन शी कुड सी हर ओन बॉडी, शी कुड सी सो मेनी थिंग्स एंड शी स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हाउ इज इट ऑन द अदर साइड मीटिंग द मास्टर्स ऑल दिस. एंड आफ्टर कमिंग बैक, जब उन्होंने वापस आ गया, शी स्टार्टेड शेयरिंग ऑल हर एक्सपीरियंसेस. सो दिस पर्टिकुलर केस स्टडी वॉज रियली एस्टॉनिशिंग बिकॉज ए पर्सन हु कुड नॉट सी, जो बचपन से शी कुड नॉट सी हर होल लाइफ, बट इस पर्टिकुलर अनुभव में वो सब कुछ देख रही थी. एंड शी हैज गिवन सच वैलिडेशंस एंड इट्स प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट यू नो दिस पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस आर सो ट्रू, सो रियल, सच्चे. यस, बस कुछ पल का फासला है और आप पहुंच जाएंगी वहां जहां आपके हर सवाल के जवाब की चाबी है. क्या आप चलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूं. ठीक है, तो हम भी चलते हैं वहां जहां हर उलझन सुलझती मिलेगी और मिलेगी दोबारा जिंदगी. चलिए आइए. कब? आज सीमा गाइडेड मेडिटेशन यानी मार्गदर्शित ध्यान के जरिए अपने अनुभव को दोबारा जिएंगी और इस बार उनके साथ होंगे डॉक्टर न्यूटन और हम सब. आज सीमा जानेगी कि उस दिन कौन आया था उनकी चौखट पर जिसने उनके जीवन में लगा दिए कई प्रश्न चिन्ह. आंखें बंद कीजिए और लंबी गहरी सांस से लीजिए. एज यू ब्रीथ इन, अलाउ ऑल द फ्रेश एनर्जीज टू फ्लो इनटू योर बॉडी. एज यू ब्रीथ आउट, टोटली लेट गो ऑफ टायर्डनेस और स्ट्रेस और टेंशंस और एंग्जाइटीज. With each cycle of breathing, allow yourself to completely relax from head down to your feet. Let every part of your body completely relax. At this point of time, I'd like you to connect with a powerful beam of beautiful soothing light on top of your head. Allow your mind to choose the color or colors of this light. Beautiful colored light on top of your head. Let this light around your body completely relax your entire being. Very deep, very profound. At this moment, I'd like you to allow yourself drift away from the body to the most beautiful place of nature, your favorite place of nature, the place where you feel very comfortable, very relaxed, very safe. क्या महसूस कर रहे हैं, क्या अनुभव कर रहे हैं आप? I can see very beautiful green gardens. At this point of time, in this deep state of relaxation and trance, I would like you to go back and back in time, in this current life, to that memory of your out-of-body near-death experience. I'm going to count 5 to 1. This point of time, this memory becomes more vivid and clear.
5, 4, going back in time to that memory, remember, recall all the details of it. 3, images, pictures, impressions, feelings of that moment, it becomes very, very vivid and clear. Allow yourself to be there. 2, I would like you to now relive, re-experience it as if it is happening now. 1, what is happening in that moment? Is it daytime or evening time? Not exactly daytime, it's evening time. I'd like you to now describe what is happening in that moment. What are you doing in that moment? I'm writing something. Yes. वो बेल बज रही है बेल. Completely experience it. What's happening now? What are you doing now when the doorbell rang? वो मैं जा रही हूँ खोलने के लिए दरवाजा. Old lady with the smiling face in front of my gate. In front of your gate, okay. She wanted to come inside. Right. How old is she approximately? Approximately 60, 55, 60. 55, 60. Yeah. How is she dressed? Look at her clothes. She's wearing sari, cotton sari. What are you doing in that moment when you looked at her? I'm welcoming her. You're welcoming her. Okay. What are you saying? What words you have used in welcoming her? आप क्यों आए हो? और ये किसने बताया आपको पता? So मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? Listen to what she's replying. तो आप मेरे बारे में बता दो कुछ. तो आप बताओ मेरे बारे में कुछ. आपका कार्ड तो बहुत अच्छा आया है. अभी आपका सब कुछ अच्छा होगा. जाएंगे देखेंगे तो. मुझे बहुत सारा काम करना है. आप चले जाओ. Then what happened? What is she saying? मैं ना आपको लेने आई हूँ. आपको पैर छूने आई हूँ. नहीं नहीं, आप मेरे पैर नहीं छू सकती. And she started knee down in front of me. How you felt in that moment? She become like an evil. Like an evil, okay. Yeah. She's laughing loudly. How you felt in that moment when you looked at her face, which is turning? I can't. I'm not able to feel that. Ah, right. She. I think she's disappeared. Then what happened? I'd like to completely experience that moment, whatever is happening. I'm not able to stand. My body is there. Ah. I can see myself without my body. I'm just like in small bubble. Small bubble now, right? Yes. Tell me more about this experience when you are that small bubble. How you feeling? What you are experiencing? I was feeling totally light. Totally light. Happy, vibrant. Right. Moving one place to other place. Yes. Like in butterfly. क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत डार्क है, अंधेरा है, बहुत अंधेरा है. अंधेरा है. Yeah. Right. और मैं ऐसे जा रही हूँ जैसे वो बलून हवा में उड़ता है. ऊपर से उड़ती जा रही हूँ. यू नो फ्रॉम आई एम थिंकिंग वेयर आई एम गोइंग, व्हाई आई एम गोइंग. आई हैव टू कंप्लीट माय वर्क. राइट. आई डोंट वांट टू गो. यू डोंट वांट टू गो. नो बट आई एम गोइंग. यू आर गोइंग. आई डोंट नो द पाथ वेयर आई एम गोइंग. I cannot see anybody else there. Nobody is there. Okay. Suddenly I am seeing some torch. Right. Somebody is showing me torch. Yes.
Tell me about this torch. Somebody showing this light to you. There is so many torches there. Total dark turn into light. Right. Tell me about this. Everything is golden. Okay. What is this? Can you describe more about this roll call? They are calling one by one people. How many are there? 50, 60 people. 50, 60 people. But my number is, I think, 4-5. 4-5, okay. Yeah, I am in queue. You are in queue. Yeah. This point of time, go on describing whatever is happening when each number is called, when the roll call is on. They are going inside, inside the gate. Can you describe about this, that gate and what is inside? Inside, like a big chair. And like a king, people are sitting there. Okay, what is, who is sitting there on the golden chair? Is there anyone there? Yeah, very peaceful person. वो मेरा तो काम पड़ा है बहुत सारा. मैं कैसे जा सकती हूँ अंदर? मैं बहुत सारा काम छोड़ के आई हूँ. वो मुझे अंदर बुला रहे हैं. मुझे वापस जाना है. Then what are you doing? What's happening? No, I am telling them only. You are telling them. Are you inside that gate? No, I am in front of the gate. In front of the gate. Right. They're calling you. Yeah. Right. When you're saying to them that you have so much work to do, what are they saying? They are just smiling. They are just smiling. Okay. Yes. They are giving me blessings. I think coming back. Right now, just stay for a while there. I'd like you to establish this connection, communication with those beings. Those who are inside that gate, who are in that golden throne. Okay. I'd like you to now just go a little forward, even inside the gate, to communicate. I'd like you to ask them about why they have called you. Whatever response that they are giving to you. We just want to meet you. And giving you blessings. And we used to meet you earlier also. Oh. Ask them about who they are. They are my master ascendant. Ah, master ascendant, right. Also, you can receive several messages from this master ascendant. He's quite far. I'd like you to, in this soul state of consciousness, instantly you can build this connection. You can be so near to this master ascendant. Who is that lady who has come into your home? Ask these people, this master ascendant, about that lady who has come to your home. This lady belongs to Baba Sai Baba. Ah, right. Okay. Us. She was in Shirdi that time. Right. And she's always helping Sai Baba. Right. Making food for her, for him. Maybe this person is path. This lady is path to giving blessings from my master. Right. How are you feeling being there as a soul in that plane? Very nice. Very nice. What are those people who are waiting in that queue, who are called inside? What are they doing? They are going inside. I don't know. They are going inside. Do you want to stay there? Do you want to go inside? No. No.
I'd like to receive all the blessings that they have given to you. Completely bring it back. I'd like to totally fill yourself. Yeah, I am already filled. Already filled. And so much of energy and vibrant. So wonderful. I'm so happy and thrilled. Thrilled. I'd like to finally receive one message from the Master Ascendant. They wanted to give the message of peace to this universe. To this universe. Peace to this universe. Right. Right. At this point of time, I would like you to completely realize about why you are coming back. To make people smile. To make people smile. I'd like you to say goodbye to all those beings in that world. All the gratitude for all these wonderful messages they have given to you. This point of time, start slowly coming back in the same way. This time it is descending down. I'd like to describe this journey which you are now coming backwards, this return journey. How you're feeling? Happy. Happy. Right. Yes. Slowly, slowly. I'd like to, before entering into that body, I'd like to describe what you're seeing from outside. What is your body's posture? Lying down. Lying down. Right. Are you inside the room or outside? Outside. I'm coming back. You're coming back. Okay. Is your body inside the room in that moment? No, I'm enjoying. Enjoying, right, okay. Okay, at this point of time, slowly, slowly enter into that body, okay? And when you woke up, when you opened your eyes, I'd like to tell me what you have seen around you, what you have noticed around you. There is a phone bell ringing, you know? Ah, in that moment, okay. And what did you do in that moment? I think I'm trying to find out the phone. Ah, okay. How you felt in your body in that moment? Yes. Yes. I'm seeing my body is only lying down. Lying down. Is it on the ground or on the bed? No, on the settee. Then what happened? Yeah, I picked up the phone. You picked up the phone. Okay. Tell me about what you're speaking in the phone. Remember about that phone call that you received in that moment? I was telling my friend. Yes. Parminder. Yes. ये क्या हो गया मेरे साथ? What is your friend saying in that moment? Are you all right? Okay. Yes, yes. How are you feeling? To come into the body. I wanted to share this experience with so many people. Right. Yeah, I wanted to touch things. Yes. And change the world. Right. How it feels to you after entering into your body? I'm blessed. Blessed. Totally blessed. How you feeling when you are remembering that Master Ascendant? And those beings on the other world, the other side. Very cheerful, happy. Happy, right. This point of time, I'd like to slowly, slowly come back. I'm going to count 1, 2, 3. This counting process totally can come back to this moment. You'll be feeling very energetic, very, very peaceful. With a smile from your heart and soul. One. All the way back to this moment. It's a radiating energy, radiating smile. Two. Empowered. Energized. Enlightened. Three. Come back to this moment. Whenever you are ready, start slowly, slowly opening your eyes, feeling so fresh, so relaxed. Take
your own time to open your eyes. Whenever you are ready. How are you feeling, Dr. Seema? Yeah. Aap kaisa hai? Bahut achhi, bahut achhi. Wonderful, wonderful. Bahut achhi. Yeah, please. Thank you. Yeah. I'm very happy. Very happy. I'm happy too. वेलकम बैक सीमा जी. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. वेलकम बैक. आइए बैठिए. कैसा लग रहा है आपको? बहुत शुक्रिया. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत खुश हूँ मैं. मुझे लगता है कि हर एक इंसान को इस कार्यक्रम में आना चाहिए और ज़रूर से देखना चाहिए कि उनकी लाइफ में ऐसा क्या क्या चल रहा है और वो यहाँ किस उद्देश्य के लिए आए हैं. और मुझे लगता है कि वो भी मेरी तरह खुश होना चाहते हैं तो ज़रूर आए यहाँ पर. इट्स वंडरफुल. आपको अपना उद्देश्य मिल गया? बिल्कुल मिल गया. और वो अभी मुझे ज़्यादा आप बताएंगे क्योंकि मुझे आधी चीज़ें से ज़्यादा कुछ याद नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मुझे मैंने कुछ देखा है ऐसा कुछ. जी. तो पर्पस मुझे इतना ही समझ में आता है कि मुझे सबको खुश देखना है. ठीक है. और जैसे मैं हूँ वैसे सब कुछ चाहती हूँ मैं खुश रहूँ. जी जी ठीक है. तो आपके हर सवाल का जवाब अभी मिलेगा डॉक्टर. वो फुलफिल कर सकेंगे. दैट वाज द मैसेज एक्चुअली. एक्सीलेंट. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. थैंक यू डॉक्टर साहब. जाने से पहले एक छोटा सा मैसेज. ओके. द लाइफ इन द फिजिकल प्लेन इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी नीड टू लिव लाइफ विथ अवेयरनेस. One of the very, very important points is about the words. One need to be impeccable with words. In the physical plane, in this life, to make this very interesting, we can really enjoy the silence and enjoy